आशुतोष वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपकी पार्टी के समाजवाद का मतलब है परिवारवाद, और जिस ओर राव साहब ध्यान दिला रहे थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की ओर, लोहिया जी से एक बार लोगों ने कहा कि महाराज नाते रिश्तेदार कुछ हो तो उन्हीं को एडजस्ट कर देते, कम से कम इतने बड़े ओहदे पे हो आप, हैं विधायक विधायक मंत्री कुछ भी बनवा सकते थे, संविध सरकार के दौर में तो लोहिया के हाथ में बहुत सारी ताकत थी। तो उन्होंने कहा कि पार्टी ही मेरा परिवार है, और अब लोग कहते हैं मेरा परिवार ही पार्टी है। आशुतोष वर्मा अमिता जी नमस्कार। जी नमस्कार। और देखिए, एक स्लोगन माननीय अखिलेश यादव ने दिया है कि नई हवा है, नई सपा है, बड़ों का हाथ युवाओं का साथ। जी अमिता जी, अभी 1.5 महीने पहले समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हुई है, अगर आप लोगों को समय मिला हो तो उसको देखिए, 73 लोगों की कार्यकारिणी बनी है, जिसमें माननीय अखिलेश यादव के परिवार का एक भी व्यक्ति नहीं, इनफैक्ट वो भी नहीं है उसमें, प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम पटेल और उनकी पूरी टीम। ये नई हवा है। जो लोग कहते थे और जो लोग कह भी रहे हैं, वो लोग ये बात भी बताएं, जब 1940 में हेड गेवार ने अपने उत्तराधिकारी को चुनने के लिए एक सादे कागज में माधव सदाशिव गोलरका का नाम लिख के कह दिया कि यही मेरे आगे उत्तराधिकारी होंगे, और उसके बाद एक अलग तरीके का परिवार चलता है, जो एक चित्पावन ब्राह्मण की एक सीरीज चलती है, चाहे वो हेड गेवार हो, चाहे गोलवर्कर हो, चाहे वो दत्ताराय देवरस हो, चाहे सुदर्शन जी रहे हो, चाहे मोहन भागवत जी रहे हो, वो किस हक से इस बात को बोलते हैं? और भारतीय जनता पार्टी का 2014 से लेके और आज 2019 के जो इलेक्शन भी हुआ है उसमें आप टिकटों का वितरण देख लीजिए, और दूर क्यों जाते हैं, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, चाहे माननीय कल्याण सिंह की फैमिली हो, चाहे राजनाथ सिंह की फैमिली हो, चाहे आशुतोष टंडन जी की फैमिली हो। तो बात वो लोग करें जिनके अपने घर कम से कम साफ हो, और परिवार की बात करते हैं हमसे। जी जी मैं आलोक अवस्थी जी के पास चलूं, उससे पहले एक टिप्पणी करूंगा कि मैं परिवारवाद का आशय क्या लेता हूं राजनीति में। मैं जब परिवारवाद का उल्लेख होता है तो मैं मानता हूं कि किसी को जिला अध्यक्ष बनाना, प्रदेश कार्यकारिणी में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मेंबर बनाना, जलकल निर्माण निगम का उपाध्यक्ष बनाना, और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देना, नाती पोता लड़के को विधायक की टिकट MLC बनाना, ये सब जितना भी काम है ये भी परिवारवाद है, लेकिन ये विकट श्रेणी का परिवारवाद नहीं। ठीक, विकट श्रेणी का परिवारवाद जिससे राजनीतिक व्यवस्था ही में आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है, उसका DNA बदल जाता है, वह है राजा का बेटा राजा, वहां से समस्या पैदा होती है, ऐसा मुझे लगता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा राष्ट्रीय ही अध्यक्ष बनेगा तब समस्या पैदा होती है, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री ही बनेगा वरना कुछ नहीं बनेगा जी। ठीक, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा वहां समस्या पैदा होती है, तब बाकी कार्यकर्ताओं को लगता है कि हम कुछ भी कर लें, सोने के हो जाएं, फिर भी हम तो ये इस पद तक नहीं पहुंच सकते। तो जहां एक स्थायी तौर पर अवरोध हो जाए कि इससे आगे नहीं, नान्यः पंथः ऐनाय, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि राजा का बेटा राजा, वहां से परिवारवाद की एक विशिष्ट परिभाषा सामने आती है जिसकी ओर उल्लेख बार बार लोग करते हैं। इस बात से कभी कोई नायक बाकी हिंदुस्तान के दुनिया में नहीं कर सकता कि राजनीतिक व्यक्ति का बेटा राजनीति करे, क्या दिक्कत है, करते ही है, करना चाहिए, लेकिन जिला से शुरू कर ले, पंचायत से शुरू कर ले, प्रधानी से शुरू कर ले, डायरेक्ट नहीं, ये एक मुझे लगता है समस्या है। और ये कांग्रेस से शुरू हुई थी समस्या, बाद में कई जगह गई,
लेकिन कांग्रेस इसकी जननी है इस व्यवस्था की, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आलोक अवस्थी, परिवारवाद, समाजवाद मतलब परिवारवाद का मुद्दा एक तरफ और दूसरी तरफ कटे हुए फीते का फिर फीता कटना, मुझे लग रहा है चुनाव में दो टोन तो सेट हो गई, एक तरफ योगी जी एक तरफ अखिलेश जी। अखिलेश यादव कह रहे हैं भाई सारे काम आप वही कर रहे हो जो हम करके छोड़ गए, उन्हीं में रंगरोगन करा के उनको लोकार्पण किए दे रहे हो। अमिताभ जी, हम एक बार आशुतोष जी की बात की जवाब देकर के फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इन्होंने कहा कि जो है हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जी है, कैलाश उत्तम जी है पटेल जी, इनसे पूछिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे पहले और आज इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, इनके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट पहले कौन थे और आज कौन है, उनके अलावा कोई नहीं हो सकता। आशुतोष जी कभी नहीं हो सकते जीवन में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए उस पार्टी के या मुख्यमंत्री हो जाए। और हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, नड्डा जी के बाद कौन होगा ये किसी को नहीं पता। अमित शाह जी जब अध्यक्ष थे तो कौन होगा उनके परिवार से ये कोई नहीं कह सकता था, और ना ही राजनाथ सिंह के परिवार से कोई अध्यक्ष राष्ट्रीय हमारा हो सकता था ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ जी को भी लोग नहीं जानते थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, नेताओं को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था, मुख्यमंत्री का तो बड़ा स्यापा था, वो तो हम जानते हैं। और यही हाल कांग्रेस का भी है जी। गांधी के दो आगे गांधी, गांधी के दो पीछे गांधी, बोलो कितने गांधी। तो वो भी उस परिवार से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो मैं परिवार तक सीमित रखकर अब मैं आगे बात करता हूँ। फीते काटने की बात आशुतोष वर्मा जी ने करी है। आशुतोष जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ, लखनऊ मेट्रो की बात बहुत जोर शोर से जो है अखिलेश यादव जी उठाते थे। 8 किलोमीटर मात्र उन्होंने लाइन बनाई थी, आज 45 किलोमीटर की लाइन बनी हुई है, इतना अंतर है। दूसरा, मेट्रो जो लखनऊ की बन रही थी उसमें आधी इक्विटी जो है केंद्र सरकार की थी। वेंकैया नायडू उस समय नगर विकास के मंत्री थे और आपने उनसे पैसा लेने के बाद सरकार से उनको भी नहीं बुलाया जो कि उस लखनऊ मेट्रो के आधे के हिस्सेदार है केंद्र सरकार। तो आपकी मेट्रो कहां से हो गई ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। वो तो भारत सरकार और केंद्र का एक मिला जुला राज्य का मिला जुला उपक्रम होता है। आज 10 शहरों में मेट्रो की लाइनें बन रही है और ये सतत प्रक्रिया है, जो भी सरकार आएगी और विकास के कार्य में लगेगी। आप भी लगे थे लेकिन वो आपका कोई उसमें कॉपीराइट नहीं है। दूसरी बात, आपने ये कही कि हमारे फीते काट रहे हैं, आपके फीते, आपने कैसे फीते काटे थे आशुतोष जी कि 2012 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 साल के बाद ही उनका मुलम्मा उतर गया, 2014 में सुपड़ा साफ हो गया, उसके बाद 2017 में फिर आप वही रिजल्ट दोहराया। और यहां तक कि अखिलेश यादव जी इतने दयनीय हो गए थे कि 5 साल काम करने के बाद उनको कांग्रेस की बैठकी लेनी पड़ गई, अपने दम पे चुनाव में भी नहीं जा पाए। तो आप ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं कि मेरे फीते काट रहे हैं? आपके जो फीते कटे थे गुंडागर्दी के, दंगाइयों के, तुष्टिकरण के, पलायन के, वो फीते हमने ठीक किए हैं। हमने उन दंगाइयों को मार के सही किया है, पोस्टर चौराहे में चिपकाए हैं, उनकी संपत्तियों को नीलाम किया है, इनामी अपराधियों को ठोका है और 12,000 से बड़े इनामी अपराधी अंदर किए हैं, 2,000 करोड़ रुपए संपत्ति जब्त करी जो उन्होंने लूटी थी गरीबों से। हमने कामले पटरी बनाया है प्रदेश को, आज 3 लाख करोड़ का निवेश हुआ है, आज प्रदेश में निवेश आ रहा है क्योंकि पहले तो पलायन हो रहा था यहाँ पे। और आप दंगाइयों को घर पे बैठाते थे, आपने कदीर राणा को जो दंगाई था मुजफ्फरनगर में उसको आपने अपनी पार्टी में शामिल किया है। ये आपकी पार्टी का चरित्र है, आप कभी अपराधी और दंगाइयों से दूर नहीं रह पाते। ठीक, आलोक भाई आएंगे दोबारा, मैं प्रियंका गुप्ता को बहस मिला हूँ। आलोक भाई दोबारा मैं आएंगे प्रियंका गुप्ता को बहस मिला हूँ। एक बात मुझे किसी ने कही अभी 2-4 रोज पहले, मैं उसका पोस्टमार्टम नहीं कर पाया, फौरी तौर पर किसी ने कहा मेरे दिमाग के कहीं अवचेतन उसमें रही कि जिन जिन लोगों ने मेट्रो को हरी झंडी दिखाई और उसके बाद चुनाव में गए तो परिणाम विपरीत आया। जिसने कहा उसने मुझसे कहा कि मायावती जी को देखो, अखिलेश जी को देखो, लखनऊ में चंद्रबाबू नायडू ने दिखाई थी, येदुरप्पा ने दिखाई थी, बहुत सारे नाम लिए। तो क्या मेट्रो के साथ भी कुछ मुझे लग रहा है कि
इस ढंग का मामला भी जुड़ा है, ये संयोग है, प्रयोग है, ये तो बाद की चीज है।